उत्तरी इंग्लैंड में उपचुनाव के लिए पार्टी की प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किए जाने पर बवाल हो गया। दरअसल लेबर पार्टी ने प्रचार सामग्री पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कंजर्वेटिव पार्टी के नेता और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से हाथ मिलाते हुए तस्वीर इस्तेमाल की। इसमें पीएम मोदी से दोस्ती रखने वाली पार्टी यानी सत्ताधारी सांसद से बचकर रहने की बात लिखी गई। लेबर पार्टी का कहना है कि अगर वहां के लोगों ने दूसरी पार्टी को वोट दिया तो ऐसी तस्वीर दिखने का रिस्क है, लेकिन लेबर पार्टी इस मामले में स्पष्ट है। दरअसल विपक्षी लेबर पार्टी ने मोदी विरोध के जरिए वोट पाने के लिए ऐसा किया है। इसके सामने आने के बाद प्रवासी भारतीय समूहों ने लेबर पार्टी को विभाजनकारी और भारत विरोधी कहा। भारतीय समुदाय के संगठन कंजर्वेटिव फ्रेंड्स ऑफ इंडिया CFIN ने कहा, प्रिय कीर स्टार्मर, क्या आप इस प्रचार सामग्री की व्याख्या कर सकते हैं और स्पष्ट कर सकते हैं कि क्या लेबर पार्टी का कोई प्रधानमंत्री या नेता दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के साथ कोई संबंध रखने से इनकार करेगा? क्या ब्रिटेन में भारतीय समुदाय के 15 लाख से ज्यादा सदस्यों के लिए आपका ये संदेश है? दरअसल ब्रिटेन के वेस्ट यॉर्कशायर में बार्टली और स्पेन में गुरुवार को उपचुनाव होने वाले हैं। यहाँ के सांसद रिचर्ड होल्डन हैं, जो सत्ताधारी कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। विपक्षी लेबर पार्टी ने प्रचार के लिए एक लीफलेट लगाया है जिस पर मोदी और बोरिस जॉनसन की हाथ मिलाते हुए तस्वीर छपी है। ये तस्वीर 2019 में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान की है। इसमें टोरी सांसद रिचर्ड होल्डन के बारे में एक संदेश लिखा है कि लोगों को ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। लेबर पार्टी सीधे भारतीय प्रधानमंत्री का विरोध करते नजर आ रही है। कंजर्वेटिव नेता और टोरी सांसद रिचर्ड होल्डन ने ट्विटर पर इसकी एक तस्वीर पोस्ट की तो सोशल मीडिया पर उनसे सवाल किया गया कि क्या इसका मतलब ये है कि लेबर पार्टी के नेता सर कीर स्टार्मर को भारतीय प्रधानमंत्री के साथ हाथ मिलाते हुए नहीं देखा जाएगा। इस चुनाव सामग्री को लेकर लेबर पार्टी के नेताओं के बीच भी आक्रोश है। लेबर फ्रेंड्स ऑफ इंडिया यानी LFIN ने इसे तत्काल वापस लेने की मांग की है। LFIN ने एक बयान में कहा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि लेबर पार्टी ने अपनी लीफलेट पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र और ब्रिटेन के सबसे करीबी दोस्तों में से एक भारत के प्रधानमंत्री की 2019 के G7 सम्मेलन की एक तस्वीर इस्तेमाल की है। लेबर पार्टी के भारतीय मूल के वरिष्ठ सांसद वीरेंद्र शर्मा ने भी इस कदम की निंदा की है।